प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की जय। माँ से प्रश्न है, माँ मन को किसी प्रकार स्थिर नहीं कर सकती। माँ, मन स्थिर ना हो तो भगवान का नाम करते जाना ही मन को स्थिर करने का सहज उपाय है। बर्तन की कालिख हटाने के लिए जैसे उसको बार बार मलना पड़ता है, मन की गंदगी को दूर करने के लिए भी सर्वदा भगवान के नाम का स्मरण रखना पड़ता है। मलकर कालिख छुड़ाने में समय लगता है, इस प्रकार मलते मलते ही कहीं कहीं चमक दिखाई पड़ती है, बर्तन का पहले का रंग प्रकाश में आता है, यह है अनुभूति। ऐसा प्रकाश होने से ही मलने वाले की दृष्टि उस पर आकृष्ट होती है, फिर और भी एकाग्रता से मांजना घिसना चलता रहता है। बाद में पानी से धो डालने पर बर्तन का असली रूप प्रकाश में आ जाता है। मन के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है। सर्वदा नाम जप एवं भगवान का स्मरण करने से मन की गंदगी हटकर ज्ञान गंगा आकर जीव स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। प्रश्न, माँ कहते हैं भगवान का आविर्भाव होने से साधु व असाधु सभी मुक्त हो जाते हैं, फिर साधन भजन की क्या जरूरत है? माँ, एक बात है, बिना कुछ किए रहना क्या संभव है? मन ही तुमको एक अवस्था में रहने नहीं देगा। तुम लोग यह जो भी समझते हो सब मन के द्वारा, मन द्वारा समझना है मान लेना। आज जिस बात को सुनकर मान लोगे, कल मन के परिवर्तन के साथ साथ उसे नहीं मानोगे। मन रूपी शिशु को सुखाद्य देना पड़ता है। सुखाद्य क्या? नाम जप सत्संग इत्यादि। इससे मन को पुष्ट करने से मन एक दिन आत्मा का साक्षात पाकर आत्मा ही हो जाएगा। प्रश्न, सुना है एक बार नाम करने से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप कोई कर भी नहीं सकता। अब प्रश्न है कि किस प्रकार नाम करने पर यह फल मिल सकता है? माँ, किस प्रकार नाम करना होगा वह तो गुरु ही कहते हैं। गुरु ने जिसको जो नाम दिया और जिस प्रकार नाम करने को कहा उसी प्रकार नाम करने से यह फल पाया जाता है। प्रश्न, जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया उसका क्या? माँ, जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया उसको तो नाम ही बता देगा कि किस प्रकार नाम करना चाहिए। नाम प्राणवंत होना चाहिए, अर्थात मन प्राण से नाम करना चाहिए। ऐसा होने पर नाम में रस मिलता है। नाम करते समय नाम हो जाता है। जब नाम हो जाता है तब समझा जाता है कि किस प्रकार नाम किया जा सकता है। प्रश्न, नाम होना या मैं नहीं समझा? माँ, नाम करने का अर्थ है जिसे तुम अपनी इच्छा से करते हो, और नाम होने का अर्थ है जो स्वभाव से ही हो जाता है। जैसे भूख लगने पर भोजन का ध्यान स्वतः ही आ जाता है, उसी प्रकार भगवान के लिए जब तुम्हारी विशेष व्याकुलता आएगी तब भगवान का नाम अपने आप ही हो जाएगा। प्रश्न, केवल नाम से ही उनका प्रकाश होगा? माँ, हाँ, वे प्रकाशित होने के लिए बाध्य। यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारा जाए तब प्रकाशित होंगे। नाम और नामी अभिन्न है ना, इसलिए नाम करते ही वे प्रकाशित होते हैं। प्रश्न, मन से क्या भगवान को पकड़ सकते हैं? मन तो चंचल है। माँ, हाँ, उनको मन बुद्धि के अगोचर कहा जाता है, पर चंचलता जैसे मन का स्वभाव है उसी प्रकार शांत होना भी मन का स्वभाव है। मन को यदि भगवान में लगाया जाए तो वह शांत हो जाता है। मन के स्थिर होने से ही भगवान का प्रकाश होता है। वे तो सदा प्रकाशमान है ही, केवल आवरण के कारण यह समझा नहीं जाता। इस आवरण के हटने से ही उनका प्रकाश, इस आवरण को हटाने के लिए ही जप ध्यान नाम इत्यादि। प्रश्न, वे झटपट अपने को प्रकाशित क्यों नहीं करते? माँ हंसकर, यही तो उनका दोष है, वे कुछ करवा लेना चाहते हैं। उनके अनंत भाव है ना, इसलिए किसी ने किसी से नाम, किसी से ध्यान, किसी से जप इत्यादि करवा लेते हैं। प्रश्न, यदि कहूँ हमारे में कर्म करने की शक्ति कहाँ? माँ, यदि जब कह रहे हो इससे ही पता चलता है कि तुम्हारे में कर्म करने की शक्ति है।
यदि निश्चित यह जानते कि तुम्हारे में कर्म करने की शक्ति नहीं है, तब उसी क्षण भगवान का प्रकाश हो जाता। अच्छा, क्या उनके प्रकाश के लिए तुम्हारी व्याकुलता है? प्रश्न। नहीं, वह नहीं है, कहना पड़ेगा। माँ, इस व्याकुलता को बढ़ाने के लिए ही कर्म की आवश्यकता है। कर्म करते करते एक ऐसी जगह पहुंचा जाता है जब समझा जाता है कि अपनी सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इस अवस्था में कृपा की बात उठती है। जब निरुपाय होकर लोग अपने को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तभी स्वभाव का कर्म प्रारंभ होता है। प्रश्न। इस अवस्था में मन रहता है? माँ, यहाँ भी मन रहता है, कहना पड़ेगा। कारण स्वभाव द्वारा जो कर्म तुम्हारे भीतर से हो रहा है, वह तुम्हारी अनुभूति में आएगा। मन के ना होने से अनुभूति कौन करेगा? पर यहाँ जो मन बुद्धि अहंकार है, वह साधारण मन बुद्धि अहंकार नहीं, वह विशुद्ध मन है। यह विशुद्ध मन ही समझ सकता है कि वे तुमसे सब काम करवाते जा रहे हैं। प्रश्न। माँ, गीता में कहा गया है कि धर्म ग्लानी होने पर भगवान आते हैं, यह क्या सच है? वे किस प्रकार धर्म की संस्थापना करते हैं? हमने तो पढ़ा है कि श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कौरव कुल, पांडव कुल, अपना कुल भी ध्वंस किया। आज चारों ओर हाहाकार हो रहा है, तो भगवान उसके लिए क्या कर रहे हैं? माँ, भगवान आते हैं या नहीं, इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि वे तो सर्वदा ही सर्वत्र हैं, आएंगे कहाँ से? वे कहीं जाते या आते नहीं, वे जाते भी हैं और आते भी हैं, वे रहते हुए भी आते हैं और जाकर भी जाते नहीं। यह एकमात्र भगवान के लिए ही संभव है। तुमने कहा वे ध्वंस करते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो ध्वंस होने का है उसे ही वे ध्वंस करते हैं। श्री कृष्ण ने आकर जिसका ध्वंस होना था उसका ही ध्वंस किया और रख गए गीता। तुमने और भी कहा ये जो चारों ओर हाहाकार है उसका भगवान क्या कर रहे हैं, पर यह हाहाकार कौन कर रहा है? सर्वभाव से यदि एकमात्र वे ही हैं, इस दृष्टि से दुनिया में जो भी हो रहा है यह सब उनका ही खेल है। उनके अनंत रूप है ना, इसलिए दुनिया में जो कुछ खराब अमंगल देख रहे हो यह भी उनका ही एक रूप है। शांति रूप में वे ही, अशांति हाहाकार रूप में भी वे ही। दुनिया में दुर्नीति अशांति देख वे ही प्रतिवाद कर रहे हैं। दुनिया की वर्तमान अवस्था को बदलेंगे, अतः इसके विरुद्ध तुम्हारे भीतर से ही प्रतिवाद करा के आत्मप्रकाश करा रहे हैं। इसलिए भगवान कुछ नहीं करते, यह बात नहीं कही जा सकती। प्रश्न। तब हम लोग यही समझें कि यहाँ जो भी खराब दिखाई दे रहा है वह सब मंगल के लिए है? माँ, नहीं, तुम लोग केवल एक ही दिशा को देख सकते हो। तुम जब एक ओर देखते हो दूसरी ओर तुम्हारी नज़र नहीं जाती, अतः किसी भी वस्तु को पूर्ण भाव से नहीं देख पाते, अतः मंगल अमंगल तुम्हारी दृष्टि में रह जाते हैं। जब पूर्ण दृष्टि खुल जाएगी तब समझ में आएगा कि एकमात्र वे ही अनंत आकार प्रकार से केवल मात्र अपने को लेकर खेल रहे हैं। श्री श्री आनंदमयी मात की जय।